रहीम। अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे और रमज़ान की ज़ोरों शोर से तैयारी हो रही होगी जी। ये मैंने रैक ऑर्डर किया है अपने छोटे से किचन के लिए, क्योंकि किचन हमारा छोटा है और चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो उसको नज़र में रखते हुए रमज़ान से पहले पहले मैंने सोचा कि मैं इसका ऑर्डर कर दूँ, ताकि जो है ना किचन सही से सेट हो जाए और फिर सहरी और अफ्तारी ईज़िली हो सके। हमारी जो चीज़ भी हमें चाहिए हो हमें फ़ौरन जो है ना सामने मिल जाए। तो ये जिनके भी स्मॉल किचन हैं उनको तो ये लाजमी लेना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है इस तरह के रैक से। सबसे पहले तो आप देखें जी, मेरी बेटी हरम कितनी खुश है, कितनी खुश है। जब भी घर में कोई चीज़ आती है बच्चे ऐसे ही हैप्पी हो जाते हैं और उसको ओपन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हम लोग भी बचपन में ना बिल्कुल ऐसे करते थे, जब भी कोई नई चीज़ आती थी ना तो ऐसे बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते थे कि इसकी अनबॉक्सिंग करें, ये करें, वो करें। लेकिन वो अभी छोटी है, उसको अनबॉक्सिंग का तो नहीं पता, लेकिन वो एक नई चीज़ देख कर घर में इंजॉय कर रही है जी। लो जी, वो तो जाके भी बैठ गई है, बिना खोले बैठ गई जाके। बच्चे मन के सच्चे जनाब, वो ये बादशाह उम्र होती है, कुछ भी कर सकते हैं बच्चे। खैर, मैं आपको बता रही थी कि ये जी मैंने द्रास से ऑर्डर किया है, और ये देखें सबसे पहले कि इसकी जगह भी कितनी ज़बरदस्त हमारे किचन में एडजस्ट हो जाए। किचन के बिल्कुल साथ मैं पहले भी यहाँ पर ओवन रखती थी, लेकिन पहले मैं ओवन रखती थी इस तरह टेबल के ऊपर, तो अब मैं इस टेबल को साइड पे कर दूँगी, इस रैक को इसकी जगह एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये जी मैंने माशाल्लाह देखा कितना ज़बरदस्त एडजस्ट हो गया, जैसे बिल्कुल जगह इसी के लिए बनी हुई थी, फ्रिज के बिल्कुल साथ, और बिल्कुल हाइट भी इक्वल है इन लोगों इनकी, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और प्लस बात यह है, लो जी ये देख लो, प्लस बात तो बाद में सुनेंगे, पहले ये देखें। ये जी ये द्रास खोल के बीच में बैठ जाती है और फिर बस खेल खेल खेल। खैर, मैं आपको बताऊं कि ये जो रैक है ना मैंने ऑर्डर किया था द्रास से, ये आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये तस्वीर देखकर मैं मोटिवेट हुई कि मुझे भी मंगवाना चाहिए। फिर सबसे पहले जब आपने ऑर्डर देना हो ना, उसके रिव्यूज़ ज़रूर देखा करें। जब मैंने रिव्यूज़ देखे तो ये देखें, ये जो पिक्चर अब मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये रिव्यूज़ पर आई थी और रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, पिक्चर्स में मैंने बहुत अच्छा इसको पाया और फिर मैंने ऑर्डर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जी ऑर्डर आ गया हमारा और मेरा बेटा आ गया। मैं कभी भी अनबॉक्सिंग खुद नहीं करती, मेरा बेटा करता है, शौक है ना, बच्चों को शौक होता है। तो मैं सुबह से आया हुआ था ये रैक, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं इसको खोला था, मैंने कहा था मेरा बेटा आएगा वही खोलेगा। तो ये जी अब वो ओपन कर रहा है, आके वो भी बड़ा खुश हुआ इसको देखकर कि मामा एक नई चीज़ का एडिशन हो गया आपके किचन में। उसको पता है कि किचन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और है छोटा लेकिन है मज़े का, मज़ा आता है इस तरह की चीज़ों से, डेकोरेशन से, और ख़ास तौर पे जब आपकी यूज़ होने वाली चीज़ आपको सामने ही मिल जाए बजाय कि ढूँढो इधर उधर ये वो, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और किचन मेरा जनाब ओपन है, अगर आपका भी ओपन है फिर तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि एज़ अ डेकोरेशन भी काम आती है। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। ये जनाब तीन कलर के थे, एक तो ये आपको जो नज़र आ रहा है, और एक लाइट कलर था इससे, और एक उससे भी लाइट था, लेकिन मैंने इस तरह के कलर को ही सिलेक्ट किया। तो हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही है माशाल्लाह। इसके 5 ड्रॉ हैं जी, नंबर 2-3 तो आपको नज़र आ रहे हैं और 2 नीचे अभी ओपन हो जाते हैं, तो हम झटपट से इसको ओपन करते हैं और इसको डेकोरेट करते हैं। अब यह है कि डेकोरेशन तो इस टाइम जो चीज़ें मुझे समझ आएँगी मैं रख दूँगी, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जैसे रमज़ान आ रहा है तो मैं इसको रमज़ान की तरह ही यूज़ करूँगी, जो चीज़ मुझे चाहिए हो मैं उसको रखूँगी यहाँ पे। फ़िलहाल हमने ज़ाहिर बात है ये जगह तो ओवन की थी ना, ओवन के लिए तो परफेक्ट है, बल्कि बहुत खूबसूरत लगता है ओवन इस तरह इस यहाँ पर पड़ा हुआ, तो यहाँ पर हमने ओवन रख दिया। इसके बाद हम दूसरी तरफ चले। अच्छा देखें, ये देखें इसमें रखने से ना बिल्कुल हमारे लेवल पर आ गया, जिस तरह का एक स्लैब का लेवल होता है, जिस तरह का चूल्हे का लेवल होता है जब हम खड़े होकर कुकिंग करते हैं, बिल्कुल हम इजीली करते हैं, उसी तरह इसका लेवल बिल्कुल इस खाने का लेवल इस जैसा था। खैर जी, हमने डेकोरेशन शुरू कर दिया जी, जो चीज़ मुझे समझ आई मैंने रखी, और आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी। ये बॉल मुझे लाजमी चाहिए होते हैं, अक्सर ज़रूरत पड़ती है, और रमज़ान के हिसाब से मुझे चटनियाँ वगैरह, केचप वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं सामने पड़ी होनी चाहिए किचन में, जो कि ईज़िली मिल सके, हम इधर उधर ढूंढनी ना पड़े। अब बच्चों का घर है तो फिर देखिए मैं चटनियाँ इस तरह रख रही हूँ, तो हरम का हाथ ना पहुँचे ऐसी चीज़ों में जो टूटने वाली हो, तो ये चीज़ें मैं ऊपर वाले रैक में रखूँगी।
जो टूटने वाली नहीं होंगी वो मैं नीचे वाले रैक में रखूँगी। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बाकी ये देखें जी, हरम के ट्वाइस की जगह भी मैंने रखी है ओवन के ऊपर। ये जी एग है तो ये ट्वाय, लेकिन मैं इसको अगर यहाँ पर रख दूँगी ना तो ये बिल्कुल ओरिजिनल ट्वाइस लगते हैं, ओरिजिनल एग्स लगते हैं। तो हम इसका ना फेस लुक जो है ना, इसको अगर हम पीछे को कर देंगे ना तो ऐसा ही लगेगा कि ये एग का रैक है। ये डेकोरेशन के तौर पे भी काम आएगा और बच्चे जो है जब भी चाहें यहाँ से लेकर खेल भी सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखें जी, साथ में मेरे पास इस तरह के भी एग थे, ये भी डेकोरेशन है, ये भी मैंने यहाँ पर रख दी। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त लग रहा था ना सब कुछ। ये जी फ्रूट है, ये मैं आपको बताऊँगी, रमज़ान आ रहा है तो आप लोग भी ये जो इस तरह की बास्केट्स है ना, ये भी द्रास से मैंने ऑर्डर की थी, ये ज़रूर ऑर्डर करें, क्योंकि ये फ्रिज में बहुत इजीली एडजस्ट हो जाती हैं। आप फ्रूट डाल के रख सकते हैं, अफ्तारी के लिए जो फ्रूट होता है बहुत कम जगह लेती हैं, स्पेस बहुत कम लेंगी, लेकिन यूज़फुल बहुत हैं। आप इसमें वेजिटेबल्स डाल के रख सकते हैं, फ्रूट डाल के रख सकते हैं, कुछ भी डाल के रख सकते हैं, बिल्कुल कंजस्टेड सी जगह लेती हैं ये। और मैं जो है ना, यही जो फ्रूट्स की है ना, क्योंकि अब मौसम इस दफ़ा रमज़ान में जो है ना अच्छा आ रहा है, अभी ज़रूरत नहीं है कि इन फ्रूट्स को फ्रिज में रखा जाए, तो ये रैक ऐसे मौसम के लिए बेस्ट होते हैं। ऐसी चीज़ें इसमें डाल के हम इसी रैक में रख देंगे, खूबसूरती भी होगी, जगह भी कम लेती हैं। ये बाल्टी कह रही हूँ, ये जो टोकरी है ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, आप ज़रूर लें, खसूसन फ्रिज के लिए बेस्ट है। मैं तो खैर इस रैक में रख रही हूँ क्योंकि अभी मौसम नहीं है, फ्रूट मतलब बाहर भी रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। तो जैसे ही गर्मियाँ आएंगी तो यही बास्केट्स जो है ना मैं इस तरह फ्रिज में रख देती हूँ, कम जगह लेती हैं और ज़बरदस्त एडजस्ट हो जाती हैं। ये किचन के लिए बड़ी ज़बरदस्त हैक्स है, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो थोड़ी स्लोली सोच रही हूँ कि मैंने इसमें क्या रखना है जो मुझे चाहिए। वो मैंने नीचे चॉपर रखा है, आपको पता है चॉपर भी चाहिए होता है, ऑल टाइम चाहिए होता है। पहले मैंने इसको किसी द्रास में डाला होता था, इतना मुश्किल होता था ढूंढना, लो जी आ गई है। मैंने कहा था ना इसकी 10 तरस में सिर्फ ये 2 दराज आएंगे, यहाँ पे मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो टूटेंगी नहीं। आती है फ्रूट्स को देखती है, खेलती है, कुछ खाती है, तो अब ये कि 2-3 दिनों से ना आदत हो गई है कि ये चीज़ें इसको यहीं पे नज़र आती हैं, अब नहीं ये कुछ कहती है, अब आराम से गुजर जाती है। ले जी लुक देख लें हमारे किचन की, इस रैक से कितनी प्यारी हो गई है ना। कमेंट्स में ज़रूर आपने बताना अगर आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, ये लुक है जी हमारे किचन की। हमारा किचन ओपन है, ओपन किचन के लिए ये रैक बेस्ट है, खूबसूरती भी होती है, डेकोरेशन भी होती है, आपकी चीज़ें भी सिमट जाती हैं, इधर उधर नहीं पड़ी होती। जो ओपन किचन होते हैं ना उनको मैनेज करना बेहद मुश्किल होता है, ऑल टाइम क्लीन चाहिए होता है सब कुछ, कभी भी गेस्ट आ सकते हैं, कभी भी कोई आ सकता है, तो आपकी चीज़ें मैनेज होनी चाहिए। इससे आपकी ढलकती है कि कितनी अकलमंदी से आप अपने किचन को यूज़ करती हैं या कितनी सलीका मन है। तो ये देख लें जी, माशाल्लाह हर चीज़ बेस्ट लग गई है, मेरे ख्याल से तो बेस्ट हो गई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जगह मैं बनाऊँगी, कुछ और चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। वही मैं कह रही हूँ ना कि मौसम के हिसाब से इसको हम चेंज करते रहेंगे, चीज़ों के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। सो मैं तो इस रैक को हाईली रिकमेंड करूँगी, बल्कि मैं द्रास में जाके इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी दूँगी। मुझे ये लग रहा था कि ना ये असम्बलिंग मुझे खुद करनी पड़ेगी, बस वो शीट्स भेज देंगे और खुद ही पेज वगैरह लगाने पड़ेंगे, टू मच डिफ़िकल्ट होता है ये काम, हो जाता है लेकिन डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के साथ तो और ज़्यादा। तो मैं बहुत खुश हुई जब मैंने देखा कि ये बिल्कुल इस एज इट इज़ बन के आया है और परफेक्ट बन के आया है। ठीक है जी, ये हो गई, तो ये हो गई जी हमारी लुक। साइड से भी मैं आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ कि साइड से भी बड़ी खूबसूरती लग रही है, सामने से तो लग ही रही है, लेकिन इसकी साइड कॉर्नर एक और भी इसका बेनिफिट है वो देखें हम, ये जो लोहे की सलाख है ना, इसके साथ हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेकर लटका सकते हैं, जैसे बास्केट हो गई, ऐसे कुछ भी हो गया। इनके रिव्यूज़ में मैंने देखा था एक लड़की ने लटकाए हुए थे, इसी तरह ही स्टील नहीं लोहे की बास्केट थी, वो भी इसके साथ हैंग करेंगे। सेकंड नंबर पे आ जाएं जनाब, हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये जी दालें रखने के लिए बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र है, ये जो पैकेट है ना, ये मुझे 1 ईयर हो गया इसको यूज़ करते हुए। जब मैंने ये लिया था ना, मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि ये ना 2-4 महीनों में ना कलर इसका फेंट हो जाएगा, बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, फट जाएंगे, ये हो जाएंगे, लेकिन मैं इनको 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। जो लोग रेगुलर मेरे देखने वाले हैं वो जानते हैं शायद
के मैंने दिखाया था जब मैं ये लेकर आई थी, तो ये बहुत सही रहते हैं, मेरी हर चीज़ की ज़रूरत के हिसाब से इसमें आ जाती है। मैं दालें जैसे ही आती हैं, अब रमज़ान शुरू होने, आपने पहले ही जो अपनी दालें हैं ना इसमें डाल के रख लेनी है, बहुत कंजेस्टेड सी जगह लेंगे और दालें आपकी सिमटी रहेंगी। होता ये है कि फ़र्ज़ करें कि हम 1 kg का दाल का पैकेट लेते हैं, तो थोड़ा सा पक जाता है, थोड़ा सी दाल बच जाती है, तो हम जो बची हुई दाल होती है कभी कहीं रखते हैं, कभी कहीं रखते हैं, फिर भूल जाते हैं हम दोबारा ऑर्डर, यानी वो फिर ख़राब हो जाती है। तो अगर हमारे पास इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बने होंगे ना, तो बची हुई दाल हम यहाँ डाल देंगे, नेक्स्ट जब नेक्स्ट मंथ का राशन आएगा तो फिर हम नेक्स्ट मंथ जो बाकी दाल होगी वो इसमें रख देंगे। ये देखें जी, अब मैं आपको अपने ड्रा दिखाती हूँ जो किचन के हैं। फर्स्ट में ही मैंने ना आगे करके ये दालों का रखा हुआ चीज़ें मैं इसमें एडजस्ट कर देती हूँ। आप अपने हिसाब से बड़े ऑर्डर भी कर सकते हैं, ये छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं ये पैकेट, मैं इनका सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अब ये देखें जी, ये रैक मैंने मंगवाए थे दराज से, ये भी मैं आपको लिंक दोबारा दे दूंगी। ये बहुत फ़ायदेमंद है आपके, आप ऊपर भी चीज़ें रख लेते हैं, नीचे भी रख लेते हैं। ये भी मैंने दराज से ही ऑर्डर किए थे, इसका भी लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी। तो इस तरह ना आपका स्मॉल किचन बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। ये जो प्लेट्स आप देख रही हैं, इसका रैक बहुत खूबसूरत है ये, बल्कि मैं लिंक भी जो जिसमें मैंने ये सारा कुछ बाय किया है उसका लिंक भी आपको यहाँ दे दूँगी। मैंने अपनी वीडियो बनाई थी इस पर, तो आप जहाँ से भी चाहें इसकी मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आप ज़रूर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिएगा। ये ले जी, हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। और ये जो नॉनस्टिक का सामान था वो भी मैंने जब लिया, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी, आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये जो आप जार देख रहे हैं, ये भी मैंने जब बाय किए थे मैंने वीडियो बनाई थी, ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, डेकोरेशन भी इनकी साथ अच्छी हो जाती है और खूबसूरत भी लगते हैं, आपकी चीज़ भी चटनियाँ वगैरह जैम केचप हर चीज़ उसमें आ जाती है। फिर जब रमज़ान के लिए मुझे प्यालियों की ज़रूरत थी, मैंने इस रैक में प्यालियाँ रख दी, पहले कुछ और पड़ा होता है, ज़रूरत के हिसाब से आप सेटिंग चेंज करती रहती हैं, जो चीज़ें आपको जहाँ अब पड़ी नज़र आ रही हैं मे बी नेक्स्ट वीडियो में कहीं और पड़ी होंगी, क्योंकि मैं उस हिसाब से मैनेज करूँगी जिस हिसाब से मुझे चाहिए। ये ले जी, ये हमारी फ़ाइनल लुक है। इसके साथ ही मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये जो आपको डेकोरेशन अभी नज़र आ रही है इसका लिंक भी मैं दे दूँगी, ये भी मैंने लास्ट व्लॉग जो बनाया था इसी पर बनाया था, इसकी हर चीज़ का लिंक, इसकी हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, रमज़ान की बेहद तैयारी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।